दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के हलवारा वायु स्टेशन पर आज भारतीय वायुसेना और रूसी वायुसेना के पायलटों ने एक संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया। इस दौरान रूसी वायुसेना के पायलटों ने भारतीय पायलटों के साथ Su-30, MKI, Mi-35 और Mi-17 में उड़ान भर फायरिंग का भी अभ्यास किया। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि पिछले 65 सालों में यह पहली बार है जब दोनों देशों की वायुसेना एक संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2 माह पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट रूस गए थे, जहां उन्होंने वहां के पायलटों के साथ मिलकर एक अभ्यास में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास से दोनों देशों के संबंधों को बल मिलेगा। गौरतलब है कि रूसी वायुसेना का यह दल 28 नवंबर तक भारत में रहेगा, जिस दौरान और भी कई तरह से वायुसेना से जुड़ी जानकारियों को साझा किया जाएगा। ये पहली बार है कि रशियन एयरफोर्स पायलट्स और इंडियन एयरफोर्स पायलट्स के बीच एक्सरसाइज हुई है, और ये पहले ही ऐसी एक्सरसाइज हुई है। इससे पहले 2 महीने पहले हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट्स रशिया गए थे, और अभी जो हैं वो रशियन पायलट्स यहाँ आए हैं और एक्सरसाइज हमारे साथ। ये पहली बार है अपने 65 साल में जब वो रशियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक्सरसाइज हुई है। ये रशियन पायलट जो हैं वो हमारे भारतीय पायलट्स के साथ Su-30 MKI, Mi-35 और Mi-17 उड़ा रहे हैं और जॉइंट मिशंस कर रहे हैं।